हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था LXIQ में कि इसकी एसेसरीज की वीडियो मैं जब बनाऊंगा जब ये शोरूम पे आ जाएगी, तो अब ये शोरूम पे खड़ी हुई है और अभी मैं खुद हैरान हुआ है भाई इतनी सारी एसेसरीज, क्योंकि इसके अंदर जो लगी हुई हैं उनसे अलग जितनी भी चीज़ें हैं जो इसके साथ आती हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा अभी। तो वीडियो पर बने रहना और अच्छी लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना अगर ये डेली कंटेंट और गाड़ियों से भी अगर आपको मेरी तरह ही प्यार है कि हाँ भाई गाड़ियों के बारे में जानकारी लेते रहना आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप पसंद। तो बेसिकली जो इसमें होता है जब भी मैं आता हूँ तो मोस्टली जो गाड़ी मतलब इसके अंदर जो एसेसरीज लगी हुई होती हैं ये तो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई होती है जो कि अभी इसके अंदर नहीं लग रही है। और जो लिस्ट मुझे मिली है इसके अंदर ही देखो आप 48 एसेसरीज का ऑप्शन है यहाँ पे और सारी चीजें हैं इनके अंदर, मतलब गाड़ी के स्टेयरिंग से लेके व्हील से लेके कवर वगैरह सब कुछ, परफ्यूम तक इवन इसके अंदर एडिड है। तो इसकी बात करें तो ये तो भाई देखो बहुत हैवी हिसाब किताब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी एसेसरीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। बट इस गाड़ी के अंदर आपको अभी फिलहाल क्या क्या मिलता है वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता रहूँगा ऐसे और स्क्रीन पर आपके प्राइस ब्लिंक करता रहूँगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सी एसेसरी आपको कितने की पड़ती है। A few moments later. तो एक चीज़ अभी वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो आप न्यू ब्रेजा की। हाँ एनी प्रॉब्लम्स भाई बताओ, गजब बेइज्जती है। तो ये है भाई पकड़ने एक मिनट से साइड से थोड़ा सा। तो ये हैं कुछ टोटल एसेसरीज अगर आप लगवाना चाहते हो शोरूम से, तो ये कुछ 48 एसेसरीज का कुछ ऐसी लिस्ट आपको मिलती है। और ये देखो बहुत स्लो ले जाऊंगा, आप देख लेना एक एक को पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप पॉज कर लेना वीडियो को और पढ़ लेना क्या प्राइसिंग है और क्या क्या है। तो ये देख लेना, और पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं भी कि हाँ भाई इतनी सारी एसेसरीज आपको मिल जाती हैं। मैंने वीडियोस में तो कई बार बोला है भाई सुजुकी में जब आप जाते हो तो आपको एक भरपूर ऑप्शन मिल जाता है एसेसरीज का, बट इतना मिल जाता है ये मैंने नहीं सोचा था। ये इनकी प्राइसिंग है साइड में आप देख लेना, और ये अपनी एसेसरीज हैं ये भी आप देख लेना, और ये देख लो ऊपर से एक बार ये ले लेना स्क्रीन शॉट यहाँ पे। तो ये कुछ एसेसरीज की लिस्ट है और अभी उस गाड़ी के बारे में बता। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। जो वहाँ पे ब्रेजा खड़ी हुई है इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या लगा हुआ मिलता है, और आप देख लेना प्रोफाइल कैसी निकल के आती है। तो अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहली चीज़ जो आती है वो है सामने ग्रिल क्रोम, ये एसेसरीज का पार्ट है, ये नहीं आता इसके अंदर। ये वाला अपना स्टैंडर्ड है बेस वेरिएंट से आता है, ये नहीं आता, ये एसेसरीज का पार्ट है। और इसकी प्राइसिंग आप देख लेना कुछ इतनी आपको पड़ती है, और फिट एंड फिनिश आप देखते रहो कि फिट एंड फिनिश कैसी मिलती है इसकी। और सेकंड चीज़ पे आएँ तो फिर आती है ये चीज़ जो सामने बम्पर पे आप ये सिल्वर का पोर्शन देख रहे हो, ये भी अपना एसेसरीज का पार्ट है। एंड फिनिश अपना फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो कि किस तरीके की आपको मिलती है, और ये कुछ इतने की पड़ती है आपको। और मेरे हिसाब से ये भी आई थिंक एसेसरीज का ही पार्ट है, नीचे वाला ये देख लो कुछ ऐसे समथिंग बम्पर एक्सटेंड ब्लैक क्रोम कुछ समथिंग ऐसे था ये। अगर ये है तो मैं इसकी प्राइसिंग डाल दूंगा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर ये आपको स्टैंडर्ड मिलता ही है, बट मेरे हिसाब से एसेसरीज का पार्ट है ये। और ये देखो सामने से अभी तीन चीज़ें आपको गिनवा दी हैं। यहाँ पे अपना फॉग लैंप्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है कि 48 एसेसरीज मैंने आपको गिनवाई हैं उनके अंदर ही वो एसेसरीज का पार्ट भी, फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, लेआउट वगैरह मिलता है यहाँ पे, वो आप लगवा सकते हो आपकी मर्जी है। तो ये है, और फिर इनके ऊपर भी आता है एक चीज़ वो नहीं लगी हुई है पर तो उसकी बात भी नहीं करेंगे। फिर साइड में आती है क्लैडिंग्स, ये वाली देखो ये। तो ये माउंटेन वगैरह से जो बने हुए हैं ये एसेसरी वाली क्लैडिंग के ऊपर लगे हुए हैं, बाकी नॉर्मल अपनी ये है देखो, ये देखो ये अलग से दिख रही है ना आपको ये चीज़। तो ये वाली एसेसरीज के पार्ट है और इसकी प्राइसिंग आपको कुछ इतनी पड़ेगी देख लेना। और फिर साइड में आते हैं ये नए व्हील कैप्स जो कि नए ब्रेजा के साथ आपको मिलते हैं, तो ये कुछ इतने के आपको पड़ेंगे। और फिर आ जाते हैं रेन वाइजर्स, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये कुछ इतने के आपको पड़ेंगे। फिर हैं साइड क्रोम, साइड डोर क्रोम, ये कुछ इतने का आपको पड़ेगा। और फिर है सिल्वर वाला पार्ट, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है, ये कुछ इतने का पड़ेगा। और फिर ये चीज़ भी मेरे हिसाब से अब ये कन्फर्म मुझे लग रही है कि एसेसरीज का पार्ट है, क्योंकि ये नहीं है इसके अंदर, ये आगे पीछे पूरा मतलब पूरा एक पार्ट के अंदर ही होगा। तो इसकी प्राइसिंग भी आपको बता दूंगा मैं। अभी पीछे की साइड आएँ तो पीछे से देखो
ये स्पॉइलर वगैरह ये आते ही हैं इसके अंदर, इसका डाउट है मुझे। तो ये अगर ऐसे सीरीज का पार्ट होगा तो इसकी प्राइसिंग डाल दूंगा, लिस्ट में देखकर भी मैंने रफली लिस्ट देखी है तो इसकी प्राइसिंग डाल दूंगा। अगर ये नहीं है ऐसे सीरीज का पार्ट तो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, बेस वेरियंट अपना शार्प 19 आपको मिल जाए और स्पॉइलर वगैरह ये सब आते ही हैं इसके अंदर। और फिर है ये पीछे वाला ब्लैक लाइनिंग जो देख रहे हो आप पीछे डिग्गी के ऊपर, ये ऐसे सीरीज का ही पार्ट है। तो ये कुछ इतने का आपको पड़ेगा और ये भी ऐसा सीरीज का पार्ट आप कन्फर्म है क्योंकि ये मैंने पढ़ा था भाई पीछे। तो ये कुछ इतने का आपको पड़ेगा और इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा हुआ है, ये अपना ऐसा सीरीज का ही पार्ट है। इसकी प्राइसिंग आपकी स्क्रीन पे ये रही इतनी ये है और आई थिंक इसके अंदर डिग्गी मैट वगैरह भी होना चाहिए तो वो नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर वो आएगा 3D डिग्गी मैट आता है जो, तो वो मैटिंग वगैरह भी आई इसके अंदर जो कि अभी नहीं है, उसकी प्राइसिंग कुछ इतनी पड़ेगी। तो भाई अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ लगी नहीं हुई है इसके अंदर ये है। और अभी अंदर चलते हैं तो अंदर से बात करें तो यहाँ डोर पैनल पे कोई भी एसेसरी नहीं है क्योंकि ये पावर विंडो वगैरह ये सब आती ही हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मेरे हिसाब से होंगे स्पीकर, क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो लगा हुआ है, ये ना स्टीरियो लगा हुआ, इसकी प्राइसिंग बताऊँगा अभी। तो इसके अंदर स्पीकर अगर लगे हुए हैं 4 सेट तो उसकी प्राइसिंग आपको कुछ इतनी की पड़ेगी। और फिर आती हैं इल्यूमिनेटेड का प्लेट्स जो कि एसेसरीज का ही पार्ट है, ये कुछ इतने की आपको पड़ेंगे। और फिर आती हैं भाई ये सीट कवर, ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे, मतलब इनकी फिट एंड फिनिश और ये पैटर्न्स वगैरह और मतलब रिंकल्स नहीं है सीट्स के ऊपर बिल्कुल भी, देख सकते हो प्रॉपर इसी के लिए बने हुए हैं, कहीं से भी आप देख लो कोई रिंकल्स नहीं है। तो ये कुछ आपको इतने के पड़ेंगे। और ये देखो भाई बेस वेरिएंट से अपना एसी वेंट्स मिलते हैं इसमें, पीछे भी ये है। और अभी दूसरी साइड से दिखाता हूँ एक सेकंड, स्टीरियो वगैरह जो है। और ये देखो आगे की जो उसका प्लेट्स हैं उनके अंदर तो प्रॉपर ब्रेजा लिखा हुआ मिलेगा आपको अगर ये इल्यूमिनेटेड हैं, और जैसे आप चाहो वैसे मिल जाएंगे क्योंकि पीछे वाले में आप देख रहे हो वो लाइट जल रही है नॉर्मल और इसके अंदर ब्रेजा लिखा हुआ आ रहा है। तो ये है। और ये जो 3D नीचे आप मैट्स देख रहे हो ये अपना एसेसरीज का पार्ट है, इनके ऊपर भी प्रॉपर ब्रेजा लिखा हुआ मिलता है। तो ये देख लो कुछ इस तरीके के मिलते हैं, मतलब यार एसेसरीज वाइज तो वाकई में अगर चीज़ों की बात करूँ तो इम्प्रेसिव है, मतलब फिट एंड फिनिश कोई भी चीज़ आप ले लो काफ़ी अच्छी है। तो ये मैट के प्राइस कुछ इतने आपको पड़ेंगे यहाँ पे। और फिर आता अपना ये सोनी का म्यूज़िक सिस्टम, ये देख लो कुछ इस तरीके का टच में, और इसकी प्राइसिंग कुछ इतनी आपको पड़ेगी। तो ये है। तो ऑलमोस्ट यही थे। और सेंटर लॉकिंग की बात करूँ तो सेंटर लॉकिंग इसके अंदर आती है बेस वेरिएंट से, जो सुजुकी की की आती है जिसके अंदर सेंटर लॉकिंग आती है वही चाबी इसके अंदर आती है। तो ये थी अपना एसेसरीज और कुछ ऐसी प्रोफाइल निकल के आती है। अब भी भाई हम खड़े भी हुए थे तो एक भाई आए मेरे पास, वो बोलने लगे भाई ये मिड वेरिएंट है कैसे कुछ है, क्योंकि एसेसरीज की फिट एंड फिनिश कुछ इस तरीके से कर रखे कि आप बता नहीं सकते, और कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी स्टैंडर्ड आती हैं कि भाई लगती भी नहीं है बेस मॉडल। तो ये है कुछ नई ब्रेजा की एसेसरीज, आप देख लेना 48 एसेसरीज की लिस्ट है, जो आपका मन करे वो आप लगवाओ, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से लगवाओ, कंपनी इतना दे रही है तो आफ्टर मार्केट तो आपको पता ही भाई दुनिया भर की मिल जाएंगी। तो ये थी एसेसरीज की लिस्ट, जैसे बोला था वीडियो में कि भाई बताऊंगा तो बता दिया मैंने, अपना प्रॉमिस पूरा किया भाई। और आप भी अब थोड़ा सा फैला दो वीडियो को और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में। बाय बाय।